और बड़ी खबर उत्तराखंड से, आपको बता दें उत्तराखंड में आज का कोरोना अपडेट, आज उत्तराखंड में कोरोना से 137 लोगों की मौत हुई है और रिकॉर्ड तोड़ पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 9642 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 67691 उत्तराखंड में कुल कोरोना के मामले हो चुके हैं और आज देहरादून की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 3979 मामले सामने आए। वहीं पौड़ी से 196, टिहरी से 325 और उत्तरकाशी से 531 नए मामले सामने आए हैं। ये उत्तराखंड का आज का कोरोना अपडेट है। एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना का विस्फोट हुआ है, बड़ी मात्रा में कोरोना के केस सामने आए हैं। आंकड़े आपके सामने हैं किस तरह से आज जो बयां कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिला एकमात्र जिला जहां से मात्र 94 केस आज सामने आए, 100 से कम केस। बाकी सभी जिलों में आज रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले सामने आए हैं। कुल मौतें 3430 अभी तक उत्तराखंड में हो चुकी हैं। तो आज 4643 मरीज भी ठीक होकर घर लौटे हैं। तो ये उत्तराखंड से बड़ी खबर, उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। आज उत्तराखंड में 137 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है और पिछले 24 घंटों में 9642 नए कोरोना के केस सामने आए, जो कि अभी तक सबसे ज्यादा है। 67691 कुल कोरोना के मरीज, हरिद्वार में 768, नैनीताल में 1342, देहरादून में सबसे ज्यादा 4000 के करीब केस पहुंच चुके हैं एक दिन में। पौड़ी से 196, टिहरी से 325, 531 उत्तरकाशी से, चमोली से 314, अल्मोड़ा से 365, बागेश्वर से 117, पिथौरागढ़ से 111 नए मामले सामने आए, उधम सिंह नगर से 1186, चंपावत से 214 नए मामले सामने आए और रुद्रप्रयाग से 94 नए केस आज कोरोना वायरस के सामने आए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना से कुल मौतें अभी तक 3430 हो चली हैं और आज ठीक होने वाले मरीजों की अगर बात करें तो 4643 मरीज आज ठीक भी हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड की आज आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से जो कोरोना के केस है वो बम्पर रूप से सामने आए, 137 मौतें, 9642 कोरोना के नए मामले 24 घंटों के अंदर उत्तराखंड में सामने आए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब वो समय आ चुका है जब हर दिन 10,000 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं किस जिले से कितने केस सामने आए हैं। चमोली से 314, अल्मोड़ा से 365, बागेश्वर से 117 नए मामले, पिथौरागढ़ से 111, उधम सिंह नगर से 1186, चंपावत से 214 नए केस दर्ज किए गए। तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले से 94 मामले सामने आए हैं, जो कि आज का सबसे कम डेटा है। उत्तराखंड में कोरोना से कुल मौतों की अगर बात करें तो 3430 कुल मौतें अभी तक हो चुकी हैं और आज ठीक हुए मरीजों की संख्या करीब 4500 है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में आज कोरोना वायरस से 137 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 9642 नए मामले सामने आए हैं। 9,500 से भी ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में सामने आए हैं। तमाम जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के बावजूद भी जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और एक बार फिर से एक बड़ा विस्फोट उत्तराखंड में कोरोना वायरस का देखने को मिला है। 9,500 मामले एक दिन में सामने आए हैं और सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति, बुरी स्थिति देहरादून जिले की है, जहां पर करीब 4,000 तक मामले पिछले 24 घंटों में पहुंच चुके हैं। तो ये उत्तराखंड का कोरोना अपडेट आज का। कुल मौतें 3430 उत्तराखंड में हो चुकी हैं। तो ये स्थिति उत्तराखंड में कोरोना वायरस की है। आज पिछले 24 घंटों में करीब 9,500 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात भी है। और 137 लोगों की मौत हुई है, कल 151 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि आज मौत का आंकड़ा जरूर कम है, लेकिन जो संक्रमितों की संख्या है वो 9,500 एक दिन में सामने आई है।